यूपी के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। जानेंगे यूपी के सभी जिलों के मौसम का हाल, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। चलिए जानते हैं आने वाले दिनों में किस तरीके का तापमान यूपी में रहने वाला है। क्या यूपी में आने वाले दिनों में तापमान में इजाफा देखा जाएगा या फिर मौसम में ठंडक घुलेगी? क्या यूपी में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना बनी हुई है? ये सब हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं यूपी के अलग अलग जिलों का हाल, यानी कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कहाँ पर कैसा तापमान बना हुआ है और कहाँ पर कितना ज्यादा तापमान में अंतर देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि यूपी में बारिश और सर्द हवाओं ने ठिठुरन काफी ज्यादा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि कई जगह पर तापमान में गिरावट देखी गई है। यूपी में कोहरे का असर भी बरकरार है, लेकिन आपको बता दें कि दिन में मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ठंड से ठिठुरन काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस बीच प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते धूप निकलने से हल्की राहत महसूस की जा रही है। वहीं सुबह शाम ठंड का असर जो है वो बना हुआ है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का असर कम होने लगेगा और धूप निकलने के कारण गर्मी का एहसास बढ़ेगा। तो यूपी में आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी ज्यादातर शहरों में मौसम साफ रहेगा, तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान कहीं पर भी बारिश होने के आसार नहीं है। आपको बता दें कि राज्य के 3 से 4 जिलों में बुधवार को तेज बारिश हुई थी, जिसके चलते मौसम में बदलाव देखा गया था, लेकिन अब मौसम शुष्क रहने वाला है, यानी कि कहीं पर भी बारिश के आसार नहीं बन रहे हैं। तापमान की बात कर लेते हैं, कहां पर कितना तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो लखनऊ में अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। वाराणसी में अधिकतम तापमान 23, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। प्रयागराज में अधिकतम तापमान 25, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। कानपुर की बात करें तो अधिकतम तापमान 26 है, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। गोरखपुर में अधिकतम तापमान 24 है, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इसके अलावा अयोध्या में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास। मेरठ में न्यूनतम तापमान कम बना हुआ है, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। आगरा की बात करें तो अधिकतम तापमान 23 है और न्यूनतम तापमान यहाँ पर 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है, यानी कि इसी तरीके से तापमान रहने वाला है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि लखनऊ समेत कुछ जिलों में कोहरा छाया रहेगा। सुबह के समय यहाँ पर कोहरे का एहसास होगा। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, अयोध्या के साथ मेरठ, आगरा, इन सभी जगहों पर सुबह के समय कोहरा छाने के बाद दिन में मौसम साफ हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अगर बारिश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बारिश हरदोई में हुई है। हरदोई में 7.6 मिलीमीटर बारिश हुई, इसके बाद आगरा में 3.6 मिलीमीटर और लखनऊ में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जिसके कारण इन तीनों ही जिलों में काफी ज्यादा यहां पर ठंडक का एहसास हो रहा था। इसके अलावा राजधानी लखनऊ में भी हल्की फुल्की बारिश और बादल के बाद तापमान में गिरावट आई थी, लेकिन अभी मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में उतना ज्यादा अंतर देखा नहीं जाएगा। और मौसम विभाग का कहना है कि यूपी में अभी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली के साथ कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश हो सकती है, दिल्ली में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अधिकतर जगह पर अभी ठंडक का मौसम देखा जा रहा है। और यूपी में अगर मौसम की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश होगी और वाराणसी से लेकर प्रयागराज, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ समेत कई शहरों में मौसम में करवट देखी जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरे सप्ताह सुबह शाम कोहरा देखने को मिलेगा और दिन में मौसम साफ रहेगा। बाकी सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामान्य रहेगा। हर दिन मौसम से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और एक प्यारा सा लाइक कर दें। धन्यवाद।